हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं वर्षा स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। सो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, रक्षाबंधन से 2 दिन पहले का है। हमारे यहाँ पर 31 को हुआ है सेलिब्रेट रक्षाबंधन, तो उससे 2 दिन पहले का व्लॉग है। सो मॉर्निंग में मैं अभी तैयारी कर रही थी नाश्ते की। यहाँ पर बना रही हूँ आज चीला फिलिंग वाला, जिसमें कि मैंने पनीर और प्याज की फिलिंग रखी है। सो अभी साइड में रखी है, वो देखना। और यहाँ पर अभी सबके लिए नाश्ता बना के मैं बैठूँगी, रीवा के साथ नाश्ता करूँगी, उसको भी फीड कराऊँगी। तो यही मेरा सुबह का थोड़ा सा रूटीन होता है कि नाश्ता वगैरह बना के इसको भी फीड कराती हूँ। एक बार मैं उठती है तब करा देती हूँ वैसे तो। अभी यही चीज़ हो रही है, बस नाश्ता वगैरह बन रहा है, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। नाश्ता बनने के बाद मम्मी पापा को करा दिया, और भी ये मैं लेके कौन बैठी हूँ है? अपना हस्बैंड का। क्या खाया रीवा ने? क्या खाया रीवा ने? बताओ क्या खाया रीवा ने? नहीं बताया? आ करो, आ आ आ। अरे वाह, रीवा खाना खाती है। रीवा तो प्यारी बेटी है मम्मा की। अरे वाह, ये माउस कौन है? ये माउस कौन है छोटा सा? रीवा, बोल के दिखाओ, क्या बोल रही थी अभी? दादू? कैसे बोला था, बोल के दिखाओ। दादू, बोल के दिखाओ। दादा दादा करो करो, बोल के दिखाओ। बोलो दादा दादा दा। ऊपर देखो, हाँ बोलो बोलो बोलो। दा 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 बोलो। दा 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 दा। और बोलो और बोलो और बोलो। दा 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 दा। रीवा बोल के दिखाओ, बोल दादू। दादू ए, बाबू सुन, मुँह नोच रही है, दे रही कहीं नोच रही कहीं। सो जाओ, निन्नी कर लो। सो जाओ सो जाओ सो जाओ। सो के दिखाओ, तो उधर चली गई। आवाज दे दादू 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 दादू। और फिर हो गया था, नेक्स्ट डे कुछ भी नहीं किया मैंने रिकॉर्ड। उसके बाद अभी यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और हमने कुछ किया है ऑर्डर, वो अभी आपको देखने को मिलेगा। रीवा आराम से सो रही है वहाँ पर, और देखिए किस तरीके से हम अभी, मैं किसी की कॉपी करने वाली हूँ थोड़ा थोड़ा सा, तो वो बस ऐसी मस्ती मजाक चल रहा था तो उसमें कर रही थी। मंगा लो, थोड़ी सी रह गई है चाय की पत्ती। मेरी मम्मी मुझसे पूछती है चाय की पत्ती खत्म हो गई है, मंगाऊं पापा से या नहीं? चाय की पत्ती। तो हे गाइस, ये देखो मेरे पति मालिश करवा रहे हैं। हे गाइस, ये देखो वन सैन दांत दिखा रहा है। हे गाइस, ये देखो प्राची यहाँ मालिश कर रही है। हे गाइस, हमारी गुड़िया सो रही है। तो हमने मंगाया था पिज़्ज़ा, काफ़ी दिन हो गए थे अपने नहीं खाया था, तो सोचा क्यों ना आज पिज़्ज़ा पार्टी कर ली जाए, घर पे ही थे तो। और 31 को हमारे यहाँ पर राखी सेलिब्रेट हुई है, तो इसलिए 30 का सबका ऑफ था, स्कूल का भी, तो घर पे ही थे इसलिए सोचा थोड़ा सा कुछ पार्टी कर लेते हैं। तो यहाँ पर डिलीवरी बॉय आया हुआ था, वो सप्लाई अप्लाई करके गया, बोलने जा रही थी, अपना देकर गए हैं। और यहाँ पर आ चुका है हमारा गर्मा गर्म पिज़्ज़ा, और इतने दिनों बाद पिज़्ज़ा खाया, काफ़ी अच्छा लगा। इतने दिन क्या, 10-5 दिन भी खाओ, 5 दिन भी बाद खाओ तो भी पिज़्ज़ा तो ऐसा ही लगता है ना, पता नहीं कितने टाइम बाद खाया है। तो यहाँ पर हमारे पास एक है गार्लिक ब्रेड, 2 पिज़्ज़ा हैं जो कि अभी हम इंजॉय करने वाले हैं। सो आ जाओ आप लोग भी, बाद में मत बोलना किसी ने बुलाया नहीं। तो यहाँ पर हम पिज़्ज़ा खाएंगे, और देखो नेक्स्ट क्या होने वाला है, मेरा और पिज़्ज़ा का मिलन।
फिर हो चुकी है हमारी पार्टी यहाँ पर कंप्लीट। अभी हो जाएगा हमारा नेक्स्ट डे, शाम का टाइम था आई थिंक, तो हमने पिज़्ज़ा मंगाया था। और अभी हो चुका है 31st वाला डे, मॉर्निंग का टाइम है। मैं नहा धो के घर में जो पूजा होती है हमारे यहाँ पर रक्षाबंधन की, गेरू होता है, उससे दीवार पे राम सिया राम लिखकर उनको राखी चिपकाई जाती है, जो पूजा वाली राखियाँ आती हैं, तो वही सारा मैं अभी पूजा कर रही हूँ। वो तो मैं कर चुकी हूँ, बट रीवा के हाथ से मंदिर में जैसे हर साल मैं बांधती हूँ, इस बार मैं रीवा के हाथ से और अपने दोनों के हाथ से हम लोग बंधवा रहे हैं। तो मैंने उनको बोला मेरा थोड़ा सा रिकॉर्ड करना, सो वही कर रहे हैं। और सेवैयाँ वगैरह बना ली थी मैंने, खाने का मैंने बिल्कुल भी नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि मम्मी गई हुई थी मामा के घर, तो उसकी वजह से मैं बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी क्योंकि रीवा भी थी और भी काम थे छोटे मोटे, इस वजह से खाना पीना। सो अभी हम जा रहे हैं नीचे वंश की राखी बांधने के लिए, रीवा जा रही है। सो रीवा को मैंने यहाँ पे बहुत प्यारा सा ड्रेस पहनाया था, मुझे वाइट कलर का ड्रेस बहुत पसंद है, बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा लगता है, सो मैंने उसको पहना दिया था। और ये इस बार बहुत ड्रामे कर रही थी और इसकी एक आई थिंक वीडियो भी नहीं बन पाई, पता नहीं क्या इन्होंने बनाया ही नहीं। तो मैंने यहाँ पे रीवा की जो राखी बांधते टाइम के फ़ोटोज़ थे मैंने वो लगा दिए हैं 4-5, और भी जो फ़ोटो हैं वो आप लोग देखना तो इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर लेना, वहाँ पर मैंने रीवा और अपनी आई डी मैंशन कर रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कॉमेंट्स शेयर करके बताएं कि कैसा लगा। सो अभी क्या होने वाला है, हाँ नेक्स्ट हो गया था, फिर दीदी आ गई थी, दोपहर का टाइम था, 12:30 के आसपास आई थी, ट्रैफिक बहुत था तो लेट हो गई थी, वरना आ जाती हैं टाइम से। और यहाँ पर दीदी बांध रही हैं राखी सबके, जिस जिसके मतलब अपने भाई के भतीजे के सबके, और यहाँ अटक जाएगा, निकाल दो ये तो फिर भी ये तो फिर भी बर्फी है, इसने तो रोटी का टुकड़ा तोड़ लिया था उसने, ये खाना देंगे छोटे हाथ दो राखी बंधे मोटे हाथ मार खा जाएगी वो अभी, अरे ये बंद हो गई तो ना देख के परेशान कर देगा, बंद रहने बर्फी पे देखेगी, देख उसे खिलौना सा लग रहा है, खा जाएगी लग रही है। सो अभी मेरे भाभी के राखी बंध रही है यहाँ पे, और पीछे आपने देखा रीवा ने क्या किया था, मैं बताती हूँ अभी। तो दीदी ऐसी मजाक में उसके मुंह के पास ना पूरा बर्फी का पीस लेके जा रही थी, तो उसने मतलब अचानक से ही उस पर झपटा और आधे से ज़्यादा बर्फी का पीस मुंह के अंदर दबा लिया अपने, और मसूड़े इतने तेज़ दबा रखे थे कि किसी की उंगली से भी नहीं खोल पा रही थी। वैसे मीठा खाती नहीं है लेकिन आज मीठा देख के झपट गई। सो यही था मेरा अभी तक का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।